ये मेरे दोस्त की बात थी, मेरे एक बहुत खास दोस्त की स्क्रिप्ट थी जिनका नाम है करण कश्यप, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, जिसमें मैं क्रिएटिवली डायरेक्शन में इन्वॉल्व हूँ, दैट्स इट। और इसमें शामिल होने का मुद्दा, अब मैं इसमें शामिल हुई हूँ, वो भी इसलिए कि जिस गंध से इसको रोका गया है, ये उस दिन खत्म हो जाना चाहिए था जिस दिन इसका टीजर रिलीज हुआ था। 27 मार्च को इसका टीजर रिलीज हुआ और साहिला चड्ढा ने मुझे फोन किया, मेरे पास अननोन नंबर था और मैंने उठाया। मैंने बहुत ही ड्यू रिस्पेक्टेड बात की है, बहुत ही रेस्पेक्ट से उनसे बात की, और वो कंटिन्यू हैमर कर रही थी, काम्या पंजाबी राहुल को बदनाम कर रही है, काम्या पंजाबी ने ये किया। काम्या पंजाबी कहाँ से पिक्चर में आती है भाई, कौन है काम्या पंजाबी, कहाँ से आती है पिक्चर में? आप लोग एक 10 मिनट के इंटरव्यू में 150 बार काम्या पंजाबी का नाम लेते हो, क्यों भाई? तो आज से आप 10 मिनट की जगह 20 मिनट का इंटरव्यू लो, क्योंकि आप 150 की जगह 300 बार नाम लेगा वो। 10 मिनट काम्या पंजाबी का और 10 मिनट पीयूषा निखत का, ये उसको याद रहना चाहिए और आगे हमेशा याद रहेगा। क्योंकि 27 मार्च को जब साहिला चड्ढा ने मुझे मैसेज किया, मैंने मना किया कि आपका और आपके भाई का, भाई आई डोंट नो भाई का या वो बोले भाई का कौन है मुझे पता नहीं, उनका इस फिल्म से कोई लेना देना है, सामने वाले को शांत हो जाना चाहिए। और मैंने उनको बहुत समझाने के वैसे में कहा, 2 दिन की बात है, 28-29 की, शांत हो जाइए, पिक्चर रिलीज हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, अगर अभी केस नहीं कर रहे आप आगे कर दीजिएगा। भाई आपके लिए केस तो आओ खेले कबड्डी वाली बात है ना, आप लोग तो केस कर कर के करते रहते हो, आपके लिए आज नहीं कल कर दिया, कल नहीं परसों कर दिया, तो आप करते रहते हो, तो अगर आज आप नहीं कर पाए तो कल कर देना। इसके बाद भी वो कंटिन्यू मुझे फोन कर रही थी, फिर उन्होंने मैसेज करना चालू किया। जब उन्होंने मैसेज किया तो मैंने उनको रिटर्न में भेजा है ये रिटर्न कि आप मेरी फिल्म से आपका, आपके भाई का, किसी भी जिंदा मुर्दा इंसान का कोई लेना देना नहीं है। आप खुद इस बात को समझो कि अगर कोई प्रोड्यूसर ये आपको रिटर्न में भेज रहा है तो आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ है, वो बहुत बड़ा प्रूफ है। अगर अब आपको ये लगता, फिल्म देखने के बाद अब आपको ये लगता कि अगर आप उस फिल्म से कुछ गलत साबित हुए हैं या कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो आपके पास तो एक मेरा SMS था, वैलिड प्रूफ, आप केस कर देते। भाई मेरे ऊपर भी डिफेमेशन थी, क्योंकि मैंने तो आज तक कोर्ट में देखा नहीं है, तो मुझे भी अच्छा लगता, मेरे ऊपर मैं भी सेलिब्रिटी हो जाती रातों रात। आपका तो काम ही है डिफेमेशन का केस करना, आपका एक केस से आपको 50,000 मिलते होंगे, उससे आपके 6 महीने चलते हैं, दिस इज हाउ यू लिव। सो इट इज कम्प्लीटली नॉनसेंस, और मुझे बेइंतहा तकलीफ है कि मैं आज इस जगह उस फिल्म को आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट का कोई भी नोटिस अभी तक, रजिस्टर्ड नोटिस अभी तक नहीं मिला, मुझे कहीं से कोई भी नोटिस नहीं सर्व किया गया, ना मुझे कोई कॉल आया है। एक बंदे ने कल मुझे कॉल किया था और मैंने उनको बोला कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं आपको 10 मिनट में फोन करती हूँ, नाम था विजय गंगाधर, और 10 मिनट बाद मैंने 10 कॉल किए हैं, उन्होंने फोन आने से नहीं किया, उन्होंने कहा मुझे आपका एड्रेस चाहिए, मैंने कहा मैं गाड़ी चला रही हूँ 10 मिनट में फोन करती हूँ। तो आप अगर बिना सर्विस के इस फिल्म को रोकते हैं, या आप अगर लेटर पे लिख के मुझे भेजते हैं बिना सर्विस के कि ये फिल्म का स्टे है, तो भाई मैं कैसे मानूं? कानून करके कोई चीज होती है, आप एक लेटर भेज दो मुझे। आपका 2:08 को एक मेल आता है जिसमें कुछ भी डिटेल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरी फिल्म तो कल से ऑनलाइन है ऑलरेडी, आप जाओ स्टेट्यून मीडिया पे क्लिक करो और देखो, बस फर्क इतना, फिल्म अब भी अवेलेबल है, फर्क इतना है कि यहाँ की जगह अब आप वहां देख सकते।